अरे दबंग भाई, आज क्या कर दिया हमारे पिताजी ने जो तुम आज फिर शिकायत लेके आ गए? अरे नहीं गोलू भाई, हम पिताजी की शिकायत करने नहीं आए हैं, हम तो मुशायरा सुनने आए हैं। वैसे भी पिताजी दो चार गान तो लात मार भी देंगे तो क्या हो गया, हम बच्चे हैं उनके। आ गई है कल, वो बाप है, अपने बाप से कभी ऐठ होनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सही कह रहे हो गोलू भाई, मैंने भी एक बार अपने बाप से कुछ कह दिया था, कुत्तों की तरह हमारा, आज भी याद है मुझे। अरे छोड़ो यार डॉक्टर साहब, तुम भी बुरा मान रहे हो, भाभी तो मजाक कर रही है। अरे पद्धतिका खड़े कैसे हो यार, आओ बैठो, तशरीफ रखो अपनी। अरे डॉक्टर साहब बैठो बैठो, आप बैठो, मेरी तशरीफ में जरा तकलीफ है, अभी सूजन गई नहीं है परसों की। जाएगी भी कैसे, कांटी कुछ ऐसा किया है? और सुना डॉक्टर साहब, परसों निक्की ने शिकायत तो नहीं कह दी भाभी से? भाभी क्या कह रही? अरे नू कह रही डॉक्टर साहब, लगता है भाभी बड़ी रोमांटिक है, हमें भी बुलाओ यार कभी घर पे, हम भी देखें कौन सा पुदीना है वो। अच्छा तूने बुलाया कभी अपने घर पे कि हाँ डॉक्टर साहब आज मेहमानी में आ जाओ, बुलाया कभी बोल? ना ना डॉक्टर साहब, मैं नहीं बुलाता मेहमानों को, मेहमानों को अलर्जी किया है, आते भी हैं और खाते भी हैं, अलर्जी किया है, आते भी हैं और खाते भी हैं, और खाने के बाद साले पद जाते भी हैं। अरे टेंशन मत लो बोलो भाई, आएंगे खाएंगे और अपने घर में जाके पकाएंगे, तुम भी टेंशन ले रहे हो। चुप हो यार डॉक्टर साहब, तुम तो गंदी बात ही करोगे हमेशा। अरे भाभी क्या बात, बहुत देर से चुप हो, तुम क्या कह रही? अरे छोड़ो यार बोलो भाई, मैं कुछ कहूंगी तो तुम बुरा मान जाओगे। अरे कह दो यार भाभी, तुम्हारी बात सुनने के लिए तो हमारे कान तरस रहे हैं। लो गोलू भाई को नहीं बताना चाहती हो तो हमारे कान में बता दो। अरे भाभी तुमने ये क्या छोड़ दिया, डॉक्टर साहब तो बेहोश हो गए। अरे दबंग भाई डॉक्टर साहब को उठाओ यार, अस्पताल ले जाना पड़ेगा इन्हें, लगता है भाभी ने क्लोरोफॉर्म छोड़ दी। हाँ चलो गोलू भाई, कहीं डॉक्टर साहब मर गए तो भाभी के ऊपर खामखा केस हो जाएगा। अरे बेटा इधर को मत देखो, डॉक्टर साहब तो बेहोश ही हुए हैं, मैं तो परलोक पहुंच जाऊंगा। अरे पिंकी कब आई, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ गोलू अंकल एकदम मस्त, आप कहाँ से आ रहे हो? बेटे डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए अस्पताल छोड़ने गए थे उन्हें। डॉक्टर साहब भी बिल्कुल नाजुक हैं, डॉक्टर साहब के लिए अर्जी किया है। क्यों अंकल, डॉक्टर साहब को क्या हुआ, वो तो डॉक्टर है। बेटा उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो अर्जी किया है। अंकल कैसे? अरे बेटा वो गैस सूंघ के बेहोश हो गए थे तो अर्जी किया है। अरे बेटा वो गैस का पैप लीक हो गया था तो अर्ज किया है। अंकल कौन सा गैस का पैप, कहाँ है गैस का पैप? अबे चुप, अपनी माँ से पूछ कहाँ से आया गैस का पैप, दिमाग खराब कर दिया एक घंटे से, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, तेरी माँ की। अरे अरे गोलू भाई जरा संभाल के, बच्ची है डर जाएगी। अबे चुप, एक तो डॉक्टर अस्पताल में पड़ा है वहाँ की टेंशन है और ये दिमाग खराब कर रही है यहाँ पर आके। अरे मियाँ खाना का हमसे मत बैठो, आपको पता नहीं है हम लोगों में इतने छेद करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सांस कहाँ से है और पादे कहाँ से। मैं तो यही चपा दूँगी, उखाड़ लेगी उखाड़ लेगी। क्या यार मैं तुम लोगों के बीच में बोलता ही क्यों, समझ में नहीं आता, हमेशा मेरी ही बेइज्जती होती है। हम जा रहे हैं यार, अब नहीं आऊंगा कभी, तुम लोग बहुत कमीने हो। अरे चचा हटना जा रहा आगे से, थोड़ा जाने का रास्ता दे दो, थाने जा रहा हूँ मैं, वहाँ बहुत इज्जत है मेरी। क्यों ये तेरे बाप की जगह है क्या, किनारे से निकल के जा। क्या यार अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है, इस मुशायरे में सब गुंडे भरे हैं। तुझे बहुत जल्दी है ना थाने जाने की, ले अब तो हवा मोड़ के जा।